वही छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रत्याशी बघेल ने अपना प्रथम पत्र निर्वाचन अधिकारी ऋचा चौधरी के पास जमा किया है। वहीं उनके साथ अधिवक्ता सौरभ चौबे, दीपक ताराचंद साहू, सौरभ बघेल और शारदा मौजूद रहे। वही नामांकन भरने के कुछ देर बाद दुर्ग लोकसभा के 9 विधानसभा तमाम भाजपा कार्यकर्ता मानस भवन में इकट्ठा हो रहे हैं। जल्द ही आम सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह समेत मंत्रिमंडल शामिल होंगे। बहुत उत्साहजनक वातावरण है, बहुत ऊर्जावान है और हम लोग पूरे उत्साह और उमंग के साथ अभी हमारा पहला सेट डाले हैं, जिसके मेरे प्रस्तावक भाई दीपक ताराचंद साहू जी हैं और दूसरा सेट हम डालने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, क्या उनका निर्देश होता है उसके अनुसार हमारा दूसरा सेट डलेगा, जिसके प्रस्तावक भाई आर एस बारले जी हैं जो पद्मश्री हैं। बाकी सेट और बाद में हम डालेंगे, जो जो भी हमारे प्रस्तावक होंगे वो डालेंगे। आज मानस भवन एक बड़ा कार्यक्रम भी आप लोगों ने आयोजित किया, पूरे जोश खरोज के साथ कार्यकर्ता दूर दूर से आ रहे हैं, हर विधानसभा से आ रहे हैं और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। वो रायपुर से निकल चुके हैं, उसकी प्रतीक्षा है। फिर एक जंगी जो नामांकन रैली है उसके साथ हम एक आगाज इस चुनाव का फिर से एक बार करेंगे।